हेलो, वेलकम टू एडुबिज एकेडमी। मेरा नाम अमित है और आज आप लोग स्क्वायर रूट्स के बारे में जानेंगे कि कैसे हम किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि 1 से 100 तक के स्क्वायर्स कैसे इजीली फाइंड किए जा सकते हैं, और मैंने एक छोटी सी वीडियो और भी बनाई थी कि ऐसे नंबर जिनका अंतिम अंक, जिनका लास्ट वाला डिजिट अगर 5 है तो कैसे स्क्वायर फाइंड कर सकते हो आप जल्दी से जल्दी। ठीक है, अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वो आप इजीली आसानी से उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कि स्क्वायर रूट्स के बारे में। ठीक, चलिए देखिए कि स्क्वायर रूट्स में क्या क्या चीजें होती है। तो जो स्क्वायर रूट की अगर हम बात करें, देखिए, तो स्क्वायर रूट को हम दो पार्ट में डिवाइड करें। कौन कौन से दो पार्ट में? एक तो होता है परफेक्ट स्क्वायर रूट और एक होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर। नॉन परफेक्ट, अभी देखिए परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं कि ऐसे स्क्वायर जिनका अंतिम एक, अंतिम अंक या तो एक हो, समझ पा रहे, या तो एक हो या 4 हो या 5 हो या 6 हो या 9 हो, वो सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं? परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं। समझ पा रहे हो? क्या कहलाते हैं? परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं। और नंबर जो कि 2 से एंड हो, 3 से एंड हो, समझ पा रहे हो, और 7 से खत्म हो और 8 से एंड हो, वो सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं? नॉन परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नॉन परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं। तो कोई भी अगर अंक आपको दे रखा होगा और आपसे कहेगा कि बताओ ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो आप सीधे उसका अंतिम अंक, लास्ट वाला डिजिट देखोगे। ठीक है, और अगर लास्ट डिजिट 1 है या 4 है या 5 है या 6 है या 9 है तो वो क्या है? वो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर इनमें से कोई नहीं है, ये है, तो वो क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। जान पा रहे हो कि नहीं जान पा रहे? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? ठीक है, तो हम आगे देखिए चीजों को कि क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, क्या क्या चीजें हमें जाननी है। ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। क्या क्या है देखिए, इससे पहले आप लोगों ने स्क्वायर के बारे में काफी जाना था। ठीक है, जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है और 9 का स्क्वायर 80 होता है। जान पा रहे हो कि नहीं जान पा रहे? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 से लेके 9 तक के नंबर का स्क्वायर लिखा हुआ है। टाइमिंग देखो, अरे क्या किया, गिर गया मोबाइल, गिर गया से। इसे भी नहीं होना है, अलग अलग अभी चेक करना भी होगा, चेक भी करना है। हाँ, तो सही से बैठो ना। अरे वो गिर गया, पर यहाँ बैठ जाओ उसके, सही से चालू करो। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि ये 1 से लेके 9 तक के नंबर्स का स्क्वायर लिखा हुआ। समझ पा रहे हो नहीं समझ? जान पा रहे हो नहीं जान पा? ठीक है, तो ये 1 से लेके 9 तक का स्क्वायर लिखा हुआ है। जैसे ही आप ये नंबर को देखते हैं तो इन नंबर में क्या नजर आता है आपको? इन नंबर में आपको नजर आएगा कि जो पहला वाला अंक है और जो लास्ट वाला है, देखिए दोनों में आपको जो वंश का है, जो इकाई का अंक है, वो सेम है कि नहीं? समझ पा रहे हो? जान पा रहे हो? ठीक है, वैसे ही आपने देखा, आपने बोला कि सर यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है कि नहीं? ठीक है, वैसे ही आपने बोला कि सर यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है। जान पा रहे हो कि नहीं जान पा रहे? ठीक है, वैसे ही आपने बोला कि सर यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है। ठीक, लेकिन एक डिजिट यहां पे बच गया, कौन सा वाला बचा? देखो ये 25।
आपने बोला कि सर इन सबके बीच में केवल एक डिजिट ऐसा है, एक नंबर ऐसा है जिसके लास्ट में हमेशा और हमेशा क्या आएगा, पांच आएगा, फाइव ही आएगा। ठीक है, कि अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, जिसका अंतिम अंक पांच है, अंतिम अंक पांच है, तो उसके रूट में इकाई का अंक क्या आएगा, पांच ही आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि इनका मतलब क्या है कि ये वन का स्क्वायर था, ये भाई टू का स्क्वायर था, ये भाई थ्री का स्क्वायर था, ये फोर का स्क्वायर, ये फाइव का स्क्वायर था, ये सिक्स का स्क्वायर था, ये सेवन का स्क्वायर था, ये एट का स्क्वायर और ये नाइन का स्क्वायर था कि नहीं था। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई ऐसा परफेक्ट स्क्वायर का नंबर जिसका अंतिम अंक एक है, अंतिम अंक एक है, समझ पा रहे हो, तो उसका जो रूट है, ठीक है, तो उसका रूट है उसकी इकाई का अंक, ठीक है, उसका वंस डिजिट क्या होगा, या तो वन होगा या तो नाइन होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे, जान पा रहे कि नहीं जान पा रहे। अगर वही अंक, वही नंबर, अगर मान लीजिए ए बी सी और क्या लिखा हुआ होगा, फोर लिखा हुआ, अंतिम अंक अगर चार हो तो चार देख लो कितने में कॉमन आ गया, देखो, तो उसका इकाई का अंक या तो दो होगा या आठ होगा, या तो दो लिख लिया या आठ लिख लिया। अगर एक नंबर ए बी सी और पांच है तो ये निश्चित तौर पे, ये बिल्कुल श्योर है, क्या श्योर है, कि उसकी इकाई का अंक हमेशा और हमेशा पांच है। ठीक है, कई बार आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा है कि एक ऐसा नंबर दे देते हैं आपको ए बी सी डी, उसका अंतिम अंक पांच है, ठीक है, तो बताइए कि आने वाली वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या होगा, हमेशा और हमेशा पांच होगा। ठीक है, अभी पीछे वाले एग्जाम्स में एनटीपीसी के एग्जाम्स में उन्होंने क्या पूछा, इकाई का अंक ना पूछ के उन्होंने दहाई का अंक पूछ लिया। ठीक है, उन्होंने दे रखा था ए बी सी डी, ठीक है, और देखे रखा था पांच। अगर इस संपूर्ण संख्या का अगर आप स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक देखिए क्या होगा, तो पांच होगा, और अगर दहाई का पूछ लिया तो क्या होगा, पच्चीस होगा, क्योंकि हर वो संख्या जो कि पांच से समाप्त हो रही है, जिसकी इकाई का अंक क्या है, पांच है, ठीक है, उसकी दहाई का अंक हमेशा और हमेशा दो होगा। 15 लेके देखो 225, 25 लेके देखो 625, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे, जहां 35 लेके देखो 1225, 45 लेके देखो इधर 225, है कि नहीं है। तो संपूर्ण मतलब पूरी पूरी संख्या, पूरी पद्धति में आप चले जाएं, पूरी नंबर सिस्टम की सीरीज में चले जाएं, हमेशा और हमेशा 25 से एंड होता हुआ नजर आएगा। जान पा रहे हो कि नहीं जान पा रहे, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे, कि हम कैसे कैसे नंबर्स को ढूंढेंगे, कैसे कैसे नंबर्स को जानेंगे। ठीक है, चलिए, अगर कोई भी नंबर, कोई भी ए बी सी अगर सिक्स से इंड हो रहा है, ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये किससे इंड हो रहा है, सिक्स से इंड हो रहा है, तो आप बोलोगे कि सर उसकी इकाई का अंक या तो चार आ जाएगा, और या फिर कितना आ जाएगा, छह आ जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ, हम ये देखते हैं कि अगर कोई परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, कोई परफेक्ट स्क्वायर संख्या ए बी सी वन है, तो उसके आने वाले रूट का इकाई अंक या तो एक होगा या नौ होगा। अगर वो ऐसे लिखा हुआ है ए बी सी, ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, चार लिखा हुआ है, तो क्या होगा, उसका इकाई का अंक या तो दो होगा, और क्या होगा, देखो चार किसमें नजर आ रहा है, आठ, अभी हमने सीखा। अगर हम बात करते हैं ए बी सी, अगर पांच लिखा है तो हमेशा और हमेशा उसका अंतिम अंक पांच होगा, ये सीखा। फिर हमने सीखा अगर ए बी सी, ठीक है, देखिएगा ए बी सी के बाद में अगर क्या आ रहा है, अगर छह आ रहा है तो क्या आएगा, या तो वो चार से इसका इकाई अंक होगा, ठीक है,
और यह क्या होगा? h ही होगा। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? ठीक है, अगर वही नंबर a b c, ठीक है, और उसके बाद में क्या आ जाए, उसके बाद में अगर 9 आ जाए तो क्या आएगा? 1, देखो 1 9 2 8, 5 का 5 और 6 का क्या आ जाएगा? 4 6। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? जान पा रहे हो नहीं जान पा रहे? ठीक है, तो ये नंबर्स क्या है, ये नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अभी हमने क्या देखा कि अगर 9 लिखा है उसका अंतिम अंक अगर क्या है, अंतिम अंक अगर 9 है तो हमने देखा 9 में क्या आ रहा है भाई, ये 7 वाला देखो ना, तो एक तो ये आपको 7 आ जाएगा या क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? तो हमें केवल ये सारी चीजें याद रखनी है। ठीक है, कैसे याद कर सकते हो, इसको याद करने की ट्रिक क्या है? ठीक है, तो अगर 1 है तो 1 या 9 में से कोई आएगा, मतलब 19, 4 है तो 28, 5 है तो 5 होगा ही होगा, 6 है तो 46, 9 है तो 37। तो कैसे याद करना है, 1 19 4 28, 5 का 5, 6 का 46, 9 का 37। जान पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, चलिए हम अभी कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और हम अप्लाई करेंगे और जानेंगे चीजों को कि कैसे कैसे हम चीजों को बेहतर तरीके से सीख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2301, सबसे पहले क्या करना है, इस वाली साइड से इन दोनों को हमें क्या करना है, इकट्ठा करना है। ये क्या आया है, 04। ठीक है, अब ये अंतिम अंक इसका क्या है, 4 है। तो अभी आपने 4 का क्या पढ़ रखा था, या तो वो 2 से खत्म हो रहा होगा या वो किससे खत्म हो रहा होगा, 8 से खत्म हो रहा होगा, यही पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ठीक है, उसके बाद में बचा हुआ अंक मतलब ये 23। अब हमें देखना है कि ये 23 वाला नंबर किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो आप कहोगे 5 के स्क्वायर के बीच में, ठीक है, और 4 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो हमेशा और हमेशा, हमेशा और हमेशा हम छोटा वाला अंक उठाते हैं, कौन सा उठाते हैं, छोटा वाला, ये वाला हमेशा, ठीक है, और छोटे वाले अंक को उठा के इन दोनों के साथ में चिपका देते हैं, 42 48। अब इन दोनों में से एक कोई आंसर होगा हमारा, ठीक है, कोई एक उत्तर होगा हमारा। अब कौन उत्तर हो सकता है, देखिए अब हम देखते हैं कि ये होता है 16, ये होता है 21 और ये है 23। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये वाला अपना जो 23 है, 23 है, ये इन दोनों में से किसके नजदीक है, किसके नजदीक है, मतलब कि इन दोनों में से किसके बीच की दूरी कम है। ठीक है, तो आप कहोगे कि सर यहां से यहां तक जाएंगे केवल 2 का गैप, यहां से यहां तक का जाएंगे तो एक लंबा गैप आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, समझ पा रहे हो? यहां से यहां तक जाओगे तो 1-7 का गैप हो गया, यहां से यहां तक गए 2 का गैप हो गया, तो देखिए तो कौन सा नंबर ये वाले के पास में है, ये वाला कौन सा है, ये बड़ा वाला है, तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, मतलब 42 इज योर आंसर, 48 इज योर आंसर, नॉट 42, कौन सा आंसर, 48। समझ पा रहे हो कि नहीं, जान पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, वैसे एक नंबर लिखा हुआ है 4096। देखो आप कहोगे सर 2 डिजिट को हमने उठा लिया यहां से, उठाया कि नहीं उठाया, ये अंतिम अंक 6 है, 6 का मतलब क्या होता है, या तो 4 से खत्म होगा या 6 से खत्म होगा, गए यहां पे हम, ये क्या लिखा हुआ है 40। अब देखो 40 से बड़ा स्क्वायर कौन होता है और 40 से छोटा कौन होता है, तो आप कहोगे सर 6 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे कहोगे 7 का स्क्वायर, फिर आप बोलोगे क्या, फिर आप ये बोलोगे कि सर अभी आपने बोला था कि छोटा वाला उठा लेना है और छोटा वाला उठा के यहाँ पे चिपका देना है 6 6। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर हमको दूरियां लिखनी है, ये तो हो गया 36, ये हो गया 49। समझ पा रहे, 14। तो बताओ इसके इसके बीच का गैप कितना है, 4 है, इसके इसके बीच का गैप कितना है, 9 है। तो जिसकी दूरी कम होती है वही वाले को हम आंसर कंसीडर करते हैं, तो कौन आएगा, कम वाला, कम वाला कौन है इन दोनों में से, वही 64। ये क्या आएगी आंसर, जान पा रहे हो कि नहीं जान पा रहे, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? ठीक है, चलो आगे हम बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, चीजों को बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। देखिए अभी लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है भाई 4761। तो जैसे ही ये लिखा हुआ आपने बोल दिया कि सर ये 1 लिखा है, 1 का मतलब या तो ये 1 ये या ये क्या है, 9 है, इन दोनों को कंबाइन किया था, ये तो खत्म हो गया दोनों। ठीक है, इसके पास में गए 47 के पास में, अब 47 के पास में जब आप जाओगे तो इसके पास में स्क्वायर आता है 7 का,
और इससे कम स्क्वायर आता है 6 का। फिर आप बोलोगे कि सर आपने छोटा वाला नंबर कहा था उठाने को, ठीक है, तो छोटा वाला नंबर क्या है, ये छोटा वाला नंबर 6 है, दोनों को यहाँ पे चिपका देंगे। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे, ठीक है। तो देखो ये क्या है, ये 36, ये क्या है, ये है 49, ये क्या है, ये 47। फिर हमको क्या देखना है, फिर हमको देखना है कि हमारे इस 47 की 36 से और 49 के से दूरियां कितनी है, ठीक है, किसके ये नजदीक है, ठीक है, जिसके नजदीक होगा उसी के घर जाएगा ये नहीं, ठीक है। तो 36 से जब आप 47 मूव करते हो तो कितना ऐड करना पड़ता है आपको, 10 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 46, 1 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 47, मतलब 11 अंक आगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। जबकि 47 से 49 जाना बड़ा ही आसान है कि नहीं है, हमें सिर्फ केवल कितना आगे जाना पड़ेगा, 2 आगे जाना पड़ेगा। तो हमें कौन सा नंबर कंसीडर करना पड़ेगा, बड़ा वाला, तो बड़ा वाला नंबर कौन है, बड़ा वाला नंबर है 69, जो कि आपका आंसर है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे, जान पा रहे हो नहीं जान पा रहे हो, ठीक है। अब यहीं पे क्या करना है, अगला वाला क्वेश्चन हमें करना है, चलो जल्दी मेरे साथ में करो। 5 है, आप बोलोगे कि सर 5 लिख दो, सीधा सीधा 5 लिख दो, लेकिन लिखा हुआ है जैसे ही अपने 5 को खत्म किया, ठीक है, तो 5 के बाद बचता है 56, क्या बचता है 56। और मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, कि ऐसे नंबर, कैसे नंबर, ऐसे नंबर जिनका अंतिम अंक 5 हो, क्या हो, 5 हो, तो उनका कैसे हम स्क्वायर निकालते थे, उनका कैसे स्क्वायर निकालते थे, जैसे मैंने आपको बताया था 25 का, इसका अंतिम अंक 5 है, तो आप कहते थे कि सर 5 का स्क्वायर 25, इसके अगले वाला नंबर 3, इसको कर दो मल्टीप्लाई, तो आता था 6 कि नहीं आता था, आता था कि नहीं 6। अब ये 56 है, तो 56 को क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। देखो क्या है, आप बोलोगे कि सर ये 7 × 8 हमें दिख रहा है, ठीक है, तो हमें कौन सा नंबर ले लेना है, छोटा वाला नंबर ले लेना है 75, ये किसका आंसर है 75 का आंसर। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे, जान पा रहे हो नहीं जान पा रहे, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर यहां पे देखिए क्या है, 7056, 7056। आप बोलोगे सर ठीक है, 6 की बात कर रहे हो आप, 6 का मतलब 4 और 6, ये दोनों खत्म हो गए। उसके बाद यहां बढ़े, ये क्या है 70, कितना है 70, 70 के पास में कौन सा स्क्वायर आता है, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर मतलब 81। समझ पा रहे हो, तो 9 का स्क्वायर लिखते हैं आप ऐसे, 9 का स्क्वायर, ठीक है, 70 से पहले क्या आ जाएगा, देखो 8 का स्क्वायर जो कि क्या होता है 64। फिर आप बोलोगे कि सर आपने बोला था छोटा वाला उठा लेना है डिजिट और इन दोनों के यहाँ पे चिपका देना है, 8 4 8 6, करना है कि नहीं करना है, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर होगा देखते हैं, चलिए। तो भाई 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81, समझ पा रहे हो, तो ये हमारा है 70। अब 70 किसके पास में जाना चाहेगा, अगर ये इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है भाई 6 है और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 11 है, समझ पा रहे हो, तो किसके घर जाना पसंद करेगा, 64 वाले के, 64 कैसा है छोटा वाला है, तो छोटा वाला कौन है इन दोनों में से 84 क्या है 84 हमारा आंसर है, जान पा रहे, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, आगे जानते हैं चीजों के बारे में। देखो सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए आपके, ठीक है, तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि कोई भी नंबर दिया गया हुआ है, ठीक है, वो पहले परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर है उसके लिए क्या करना है, 1 हो गया, ठीक है, और कौन कौन से डिजिट थे वो कमेंट सेक्शन में लिखने हैं, और नॉन परफेक्ट कौन से थे वो सारे आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं, ठीक है, और इसको क्या करना है, एक बार रिवाइज करना है आपको, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कोई भी मैथ्स से रिलेटेड क्वेरी आपकी हो या किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेरी आपकी हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं, ठीक है, आपको जल्दी ही रिस्पॉन्स मिलेगा, एंड थैंक्स अलॉट।